डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र की अगवा कर हत्या का मामला तूट पकड़ने लगा है। गुरुवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने शहर से जुलूस निकालकर ट्रैफिक चौक NH 31 पर CM नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्र ऋतुराज की हत्या के मामले में परिजनों ने अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव के छात्र ऋतुराज अपने घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डीएवी के छात्र ऋतुराज की किडनैपिंग करके 10 दिन पहले किडनैप किया गया, उसके बाद मार करके मोकामा टाल में फेंक दिया गया, लेकिन तब तक प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके सोई हुई थी। अगर प्रशासन चाहती तो आज हम लोग ऋतुराज को नहीं खो पाते। मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ, बेगूसराय प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब ऋतुराज के हत्यारे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उसे जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। और सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे करके न्याय दिलाने का काम करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन हम लोग रोड पर उतरने का काम किए और पुतला दहन किए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।